प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये नई जिम्मेवारी मिलने पर चिराग पासवान ने कहा है कि पीएम ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी उसे पूरा करने की वो हर कोशिश करेंगे। 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। ऐसे मतलब उदाहरण तो मेरे घर पर ही है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। भले ही वो 3 दफा सांसद बने हों लेकिन पहली बार उन्हें कोई मंत्रालय दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय उनके नाम है और ऐसे में कल सुबह 9:30 बजे वो अपना पदभार संभाल लेंगे।